बिल्व मंगल ठाकुर जो हैं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर उससे पहले वाले जीवन में वो एक वेश्या से बहुत आसक्त थे। उस वेश्या का नाम था चिंतामणि नाम की वेश्या से बहुत प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जिस दिन उनके पिताजी शांत हो गए, उनके पिताजी गुजर गए, खत्म हो गए, उस दिन उनको तो संस्कार करना था, उनका जब देहांत होता है तो उनका धन संस्कार करना है और जो भी उसका कर्मकांड जो है करना पड़ता है ना, तो जिस दिन उनके पिताजी गुजर गए थे, पिताजी की सेवा यानी उनके पिताजी का दहन संस्कार जैसे ही खत्म हुआ, उस रात को भी वो उस वेश्या से दूर नहीं रह सके, उस वेश्या से मिलना चाहते थे। पर उस रात को बहुत बड़ा तूफान होता कोहरा, और उस तूफान में कैसे जाएंगे, पर बहुत अंधेरा था, घनघोर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उस ऊपर इतना बड़ा जोरदार बारिश हो रहा है, तूफान हो रहा है, फिर भी उनको इच्छा हुई तो उस वेश्या चिंतामणि से मिलना है। और फिर वो जाते हैं, रास्ते में एक नदी, बहुत खुला हुआ नदी है, और नदी को पार करना पड़ेगा, नदी को पार करने के लिए कोई नाव तो था नहीं, तो देखा हुआ कुछ तैरते हुए कुछ दिखा, तो उसके ऊपर बैठे, तैर रहा है उसके ऊपर बैठा और नदी को पार कर लिया। और वो तैरता हुआ क्या था, वो तो लाश था, मरा हुआ आदमी था, उस लाश के ऊपर बैठकर भी उन्होंने उस नदी को पार किए, और जाके देखे तो चिंतामणि का घर का दीवार बहुत ऊंचा है, गेट तो बंद था, तो अंदर जाने के लिए दीवार खोदना था, और दीवार खोदने के लिए कोई रस्सी तो था नहीं, कुछ रस्सी जैसा कुछ लटक हुआ दिखा, वो क्या था, वो सांप था, तो सांप को पकड़ के उन्होंने उस दीवार को कूद कर अंदर जाके उस वेश्या से मिलते हैं, और बोलते हैं कि देखो ना? और वो वेश्या तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हो गया आपको ना? इतना तूफान में कैसे आया, आपको देखे बिना मैं एक दिन में गया। चिंतामणि हैरान होकर बोलती है, देखो इस भौतिक शरीर के पीछे इतना पागल, ये भौतिक शरीर में क्या है, क्या पड़ा है, क्या रखा है इसमें, दो दिन बाद ये सुंदरता सब चली जाएगी, जब एक दिन ये भी लाश बन जाएगी, इसके अंदर क्या खून रक्त मांस ये सब है, इसके प्रति आप इतना आकर्षण है आपके अंदर, उसका एक थोड़ा सा अंश भी अगर, इस आकर्षण का थोड़ा सा अंश भी अगर भगवान के प्रति होता तो कितना अच्छा, भगवान के प्रति इसका एक छोटा सा अंश भी आपका होता भगवान, तो जब वो चिंतामणि ने ऐसा कहा तो उसके बाद उनका जिंदगी बदल जाती है, वो बात बहुत हृदय टच कर लेती है, तो फिर उन्होंने तुरंत वहां से निकल गए और उन्हें निश्चय कर लिया कि सब छोड़कर वृंदावन में जाकर भगवान, और वृंदावन जाने के रास्ते में वो अकेले जा रहे थे वृंदावन सब छोड़ के, और रास्ते में एक जगह पर उन्होंने एक और सुंदर औरत को देखा और उसके प्रति भी उनके प्रति आकर्षण हुआ, पर इस बार उन्होंने क्या किया, उस औरत के पीछे जा रहे गए उनके घर में, और उस औरत ने उनके पति जी से बोला कि देखिए कोई साधु महात्मा है मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या देखो, पति जी ने पूछा क्या चाहिए आप, उन्होंने कहा कुछ नहीं, पत्नी से एक बार बात करना है, वो आए क्या चाहिए महात्मा जी, बोले कुछ नहीं, आपके बाल का जो क्लिप है, तो बाल बांधने के लिए जो क्लिप लगाते हैं लेडीज, वो क्लिप आप हमें दीजिए, और उसके साथ थोड़ा सा पानी भी, पीने का पानी लिखे, पीने के लिए जल लिखे, तो फिर उन्होंने अपना क्लिप दिया, पता नहीं क्यों मांग रहे, और फिर अंदर गई पानी लाने के लिए, और जब वो पानी लाने के लिए गई इतने में उन्होंने क्या किया, उस क्लिप को लेकर अपने आंखें फोड़ ली, क्योंकि उनको लगा कि आध्यात्मिक मार्ग में उनका आंखें उनको
बाधा बन रहे, काम वासना उत्पन्न कर रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, भगवान इतने संतुष्ट हो गए, भगवान इतने खुश हो गए कि भाई मेरे मुझे प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने आंखें भी फोड़ी। तो उसके बाद कृष्ण जो है छोटे बालक के रूप में आते हैं। अभी अंधे हो गए कैसे जाएंगे वृंदावन, तो एक छोटे से बालक के रूप में आते हैं, बोलते हैं मैं आपको वृंदावन देता, मुझे भी वृंदावन जाना। उनको पता नहीं था कि ये भगवान है, और उस बालक के रूप में वो आए, उनको ले गए वृंदावन। और वो नटखट थे, कृष्ण का नटखट होते, तो वो अपने उनके साथ जैसे लीलाएं कर रहे थे, जैसे वो नटखट थे। तो एक बार नाराज हुए वो बिलुमंगल, और वो जो लोटा निकाल कर उनके सर पे मारे, तो भगवान अपने भक्तों के हाथ से मार भी खाए। तो इस प्रकार से, और उन्होंने एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, उसका नाम है कृष्ण करनामृत। कृष्ण करनामृत ग्रंथ में उन्होंने कृष्ण की महिमा, कृष्ण की अद्भुत महिमा गाते हुए उन्होंने प्रस्तुति किया। और उसमें सबसे पहले श्लोक में वो लिखते हैं क्या, चिंता मणिर चैति सोम गिरिर गुरुर मे शिक्षा गुरुश्च भगवान से के पिछ मौली ही। ऐसा लिखते हैं कि मेरे सबसे पहले प्रणाम करता हूँ किसको, चिंतामणि को, क्योंकि वही मेरे गुरु है, उन्होंने मुझे इस मार्ग पर अग्रसर किया। और मेरे गुरु दीक्षा गुरु सोमगिरी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और मेरे शिक्षा गुरु कौन है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है जो मुझे वृंदावन लेके गए, उनको भी प्रणाम करता हूँ। वो लिखते हैं कृष्ण का नाम चैतन्य महाप्रभु उसको पाते। तो इस प्रकार से काम वासना को जीतने के लिए हमें क्या करना होगा, भगवान की भक्ति का आश्रय लेना होगा।